अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? और ये बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो हेयर डू और मेकअप के ऊपर है। चलें जी स्टार्ट लेते हैं। पहले बताएं क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? और चित्र पड़ने वाले हैं मुझे, क्योंकि मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, बहुत कम वीडियोस डालती हूँ, बहुत गंदी बच्ची हूँ मैं। चलें, सिंपल सा हमारा मेकअप है, कोई शुष्का शुष्का नहीं है। ये सब मैंने सनब्लॉक लगाया है। सनब्लॉक आपके पास कोई सा भी हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और उसके 2 मिनट के बाद अभी हम स्टार्ट लेंगे बेस को लगाना। मेरे पास बेस इस वक्त मैं इमली की यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरी स्किन टोन को अच्छी लगती है, सूट करती है। तो ये मैंने कर दी है अप्लाई। दादी मेहरबानी, सब्ज़ वाला क्राइब कर दिया करो, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, पैसे नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं होएगा, यकीन करो, सच्ची कह रही हैं, कोई पैसे पूसे नहीं जाएंगे। अच्छा जी, खैर ये तो एक रस्म होती है। दूजी गल है जी, मैंने अब कर लिया है कंसीलर को अनिक बेस अप्लाई की। कंसीलर तो हम आप लगा रहे हैं। कंसीलर का इस्तेमाल हमारी मेकअप में इस तरह होता है जैसे वोटी दुपट्टे के बगैर वोटी नहीं लगती ना, तो कंसीलर कंसीलर के बगैर नहीं लगता। ठीक है जी, लेने के बाद आपने जो कंसीलर लगाने के बाद जो आपके पास स्पंज है जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने थोड़ा सा वार्म कर लेना है। बेस अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी और पैचेस नहीं बनेंगे। और डैब डैब करना है, पेंट नहीं करना। ठीक हो गया। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं जनाब, बहुत ज़बरदस्त है, इजाबेल का फेस पाउडर। खैर अब तो पसीना वैसे भी नहीं आ रहा, लेकिन ये सेटिंग पाउडर बहुत ज़बरदस्त है। इसको मैं अपनी आंखों पर सेट कर रही हूँ और इसको मैं अपनी फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी पुरानी है। पुरानी मीन्स कि 15 से 20 दिन पुरानी है, तो तब चंगी पली गर्मी सी, तो पसीने नू रोकन वास्ते असी इजाबेल का फेस पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। चल भाई जल्दी जल्दी से यूज़ कर लिया। अच्छा, तो बात हो रही थी सब्ज़ वाले क्राइप की, तो तुझे क्यों नहीं कर दे यार, तड़ू की मसला है, कर लिया करो, कोई गल नहीं। चले नेक्स्ट। अच्छा एक और मजे की बात बताऊँ, पूरी वीडियो का क्लिप जो है ना वो मेरे से डिलीट हो गई जिसमें मैंने आई मेकअप किया हुआ था लेकिन सिंपल तो था, कोई मुश्किल नहीं था। ब्यूटी फाइव आमना की पैलेट से मैंने आई मेकअप किया है, और यहाँ पे मैं चुगलियाँ मार रही थी अपनी सहेली के साथ, तो इस वजह से मैंने फिर इसको बंद कर दिया। चुगलियाँ यू नो बंदे की बुराई हो रही थी तो चलें यहाँ पे हम आई मेकअप कर रहे हैं। मैं हाफ पे जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं फुल फुल नहीं करती हूँ। और अब यहाँ पे जी ये जो मैं गिले शेक पे कर रही हूँ, ठीक है, बाल देखो ज़रा मेरे, अंदर लगता है मैं सिटे में आग लाई हुई है। और दूसरा ये कि कंटूरिंग वगैरह सारा कुछ हो गया, वह हूँ मतलब की दसा, लेकिन यार ये तो सबको ही आता है। अब ये मेरे पास हुदा ब्यूटी का हाइलाइटर था, इसको ये भी हमारी मेकअप की दुनिया में इतना कुछ ज़रूरी है जैसे वोटी दुपट्टे के बगैर वोटी नहीं लगती ना, सर पे दुपट्टे के बगैर, इस तरह हाइलाइटर के बगैर भी हमारे को मेकअप नहीं लगता। नवा नवा डायलॉग आया जरा मैं मारे यार। चलें जी, अच्छी तरह हमने इसको अप्लाई कर लिया। देखा ना कैसे पटीने बनी हुई हैं हमने। यार क्या करें, मेकअप अब है तो हमारे लिए ना, मर्दों के लिए तो है नहीं, ठीक है, हमारे लिए यार हमने यूज़ करना है। यू नो कुछ लोग कहते हैं मेकअप करके बहुत बड़ी बड़ी लगती है, तो यार मैं हूँ बड़ी, मैंने कब कहा मैं छुनो काकू, तो आई एम बड़ी बड़ी। चले बहरहाल अच्छे तरीके से हमने कंसील हाइलाइटर को अप्लाई कर लिया। अब इजाबेल का ही हम मस्कारा यूज़ करेंगे, बहुत ज़बरदस्त है इसका ना, वैसे ये वाटरप्रूफ नहीं है और कोई भारीपन नहीं होता। मैं लैश को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, ज़रा ज़रा से बात पे मैं लैशेस नहीं लगाती हूँ, लैशेस मैं नहीं लगाती हूँ, तो ये जो है ये मेरा काम अच्छा कर देती है। और ना मैं लाइनर की तरफ ज़्यादा जाती हूँ, तो मैं हर टाइम वोटी बंद करती हूँ, रह जाता, तो ये मेरा डोमेस्टिक मेकअप है। और मस्कारा बहुत मज़े का है, इससे ना वैसे सर भाड़ा होता है ना समटाइम, ये ब्यूटी फाइव आमना का मस्कारा लगा के मैं सर ऐसे होता है कि ना सर भारी भारी सा हो जाता, लेकिन इसके साथ मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती, इजी है, बस ये है कि मुंह थोड़ा सा काला हो जाता है। लेकिन वो सारे जितने भी ब्रांडेड मस्कारा है ना, सब ये वाटरप्रूफ नहीं होते हैं, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। चलें जब लिपस्टिक का टाइम आ गया, इधर भी पीछे ना जरीना बोली जा रही थी, इसलिए मुझे ना वॉइस की ना ऑफ करनी पड़ी है, तो अब मैंने आउटलाइन लगाई है। उसके बाद कोई सी भी आप ब्राउन लगाएं, उसके अंदर आप न्यूड शेड की तरफ जाएं, मुझे तो खैर न्यूड शेड अच्छे लगते हैं और ऐसा लगता है कि मुझ पर सूट करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से आपने मेकअप करना है। किसी को देख के जो हम मुंह लाल करते हैं ना, ये हम बहुत गलत करते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सामने वाले पे सूट कर रही हैं, आप पे ज़रूरी नहीं है वो करें। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुझे जो सामने वाली एक बंदी पे अच्छी लगेंगी, लेकिन वो यार ज़रूरी नहीं है कि वो मेकअप मेरे पे अच्छा लगेगा। उस तरह का मेकअप तो कलर के मामले में
चूजिंग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जी गुस्से से मैंने उसको देखा है, उसने कोई चवल मारियो नहीं है जो मैंने उसको गुस्से से देखा है। चलो खैर कोई गल नहीं, हमारा मजाक चलता है। तो ये देखा ना, ये लिपस्टिक का शेड मुझे अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद हम जनाब अपने बालों की तरफ जाएंगे। बाल का मैंने बेतहाशा वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिसमें बाल स्ट्रेट की हों, बाकी भी यूट्यूब भरा भरा यार कि अपने बालों को आपने कैसे स्ट्रेट करना है, प्रोफेशनली कैसे स्ट्रेट करना है। ये नहीं कि ऊपर से रूट सारे जो हैं वो वेवी वेवी से बाल हों और वो नहीं अच्छा लगता। करना है तो फिर सही तरीके से करो भाई। ठीक हो गया, लिपस्टिक मेरी होगी, मैं ग्लोज लगा रही हूँ, ठीक है। और ये ग्लो मेरे ख्याल से एनास्टासिया का ग्लो है। ठीक हो गया, ये शेड बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसको बहुत कम यूज़ कर रही हूँ ताकि ये ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि दूसरा नहीं आया। चलें जी, ठीक हो गया, डन हो गया। यहाँ मैं कह रही हूँ, कि चलें जी चेंज करके आते हैं। लेकिन चेंज चूंज करने के बाद मुझे अपने बाल याद आ गए थे, तो मैंने अपनी ये वाली लुक बना ली। ये देखिए जनाब, खुद किए हैं, विदाउट मिरर किए हैं। वीडियो बनाते बनाते मैंने मोबाइल के उससे बस देखा, मैंने जो मिरर ऑन था, मैंने जो कैमरा ऑन था, अदरवाइज़ में बस कोई मिरर नहीं था। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं जो हमें आनी चाहिए, ठीक है। पैसे बचाओ, टाइम बचाओ, तो आओ। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मेरी फाइनल लुक आ रही है, तो ये इस पे भी कोई ख़ास नज़र नहीं आएगा, लेकिन जोड़ा मैंने बहुत अच्छा पहना हुआ था। चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरी बकबक सुनने का। अल्लाह हाफिज़, बाय।